नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। खिसकता शहर, जी हां, जोशीमठ आपदा पर इसरो ने बड़ा खुलासा किया है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धसा है। इसरो ने जोशीमठ की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शहर तेजी से धसना शुरू हुआ। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर तक शहर धसा है। तस्वीरों में दिख रहा पीला कलर का ये मार्क सेंसिटिव जोन है। इसरो ने आर्मी के हेलीपैड नरसिंह मंदिर को भी इसमें मार्क किया है। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जो सैटेलाइट तस्वीर है इसरो की तरफ से, जो तस्वीर जारी की गई है उसमें ये दिखाया गया है कि अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 में 9 सेंटीमीटर तक जमीन धसा है, लेकिन उसके बाद दिसंबर से लेकर जनवरी 8 जनवरी तक में भी 5.4 सेंटीमीटर तक जमीन धसा है। तो लगातार जो जमीन के खिसकने का सिलसिला है वो जारी है और शहर पूरा खिसकता नजर आ रहा है। तो ये पूरा तस्वीर है और इस तस्वीर में जो पीले कलर का मार्क है ये सेंसिटिव जोन है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर जारी की गई है सैटेलाइट की तरफ से, ये पूरा ही इलाका अब खतरे से खाली नहीं है। और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा वो इलाका है जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है जो इसरो ने जारी किया है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस तस्वीर में दिखाया क्या जा रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीर कि आखिर इस तस्वीर में क्या कुछ है और क्या दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले एक नजर डालिए, ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं येलो कलर का, जो कि पीले रंग का बाउंड्री लाइन है, ये सब्सिडेंस जोन है, यानी कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन है, ये सबसे डेंजर जोन है। और ये बीच में जो आप नीला रंग देख रहे हैं, इस नीले रंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जल मतलब पानी निकलने की स्थिति जो है वो जारी है। आपने ये सुना होगा कि लोगों के घरों से अब पानी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? क्या वो ग्लेशियर का पानी है, क्या वो ग्लेशियर ही है? तमाम सवाल है। तो ये वो है, अब आर्मी हेलीपैड भी आपको दिखा रहे हैं और नरसिंह मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहाँ है आर्मी का हेलीपैड और कहाँ है नरसिंह मंदिर। तो ये जो तस्वीर है ये जारी की गई है अप्रैल एंड नवंबर 2022। आप ये समझ सकते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 में लगभग 9 सेंटीमीटर जमीन जो है वो खिसकी है। जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में सबसे ज्यादा जमीन खिसकने की जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें दिसंबर की, तो 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2023 तक में हमने ये देखा है कि 5.4 तक जमीन खिसकी है। तो ये वो पूरी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में क्या हो रहा है इस तस्वीर से साफ समझा जा सकता है। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। पीयूष, इस वक्त आप मौजूद है जोशीमठ में ही, अभी माउंट व्यू इन होटल को भी ध्वस्त करने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, इसके अलावा मलारी भी, क्या जानकारी आपके पास है पीयूष, क्या हो रहा है वहां पर? अंशिका, सीधा मैं तस्वीरों को आपसे साझा कर रहा हूं और आपके जरिए दर्शकों से साझा कर रहा हूं। आप देख सकती हैं हमारे ठीक सामने जो होटल है, ये होटल मलारी है और यहां पर डिसमेंटल का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे कर ऊपर की छत के आप देखिए उसको खोलने का काम जो है वो मजदूर कर रहे हैं। NDRF SDRF की टीम यहाँ मौजूद है। आप सीधा तस्वीरों में देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज इंडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं। यहाँ से होटल को डिसमेंटल करने का काम अब शुरू हो गया है। सबसे पहले बिजली के जो खंभे यहाँ लगे थे उन्हें हटाया गया, जनरेटर थे उन्हें हटाया गया, उसके अलावा यहाँ पर होटल में जो दरवाजे थे, जो फर्नीचर्स थे उन्हें हटाया गया, साथ ही साथ खिड़कियों को ऊपर उसके ग्लासेस थे उन्हें सब हटा दिया गया है। अब ऊपर की जो छत है, जो छज्जा है, उसको खोलने का काम शुरू हो गया है, उसे खोला जा रहा है स्टेप बाई स्टेप। ये होटल जो है इसको नीचे डिसमेंटल करते हुए लेकर आएंगे, तो इसके लिए ऊपर से ही शुरुआत इन्हें करनी थी। इनकी टेक्निकल टीम यहाँ ग्राउंड पर मौजूद है। उसके अलावा अब आपने अभी इसरो के मैप का जिक्र किया था अंशिका, हाँ। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो दरारें हैं, ठीक मैं कहूँगा कि कैमरा ऊपर की तरफ पैन करते हुए लेके जाएं, ऊपर के उन घरों से दरारें शुरू हुई हैं और वहाँ से दरारें लगातार बढ़ती हुई गईं। कहीं पर छोटी दरारें हैं, कहीं बड़ी दरारें हैं और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के जरिए, तो आप नीचे की तरफ देख रही होंगी
एक हेलीपैड बना दिखाई दे रहा होगा और एक कायदे से सोसाइटी बनी दिखाई दे रही होगी। ये जेपी कॉलोनी है, जेपी का यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, पावर प्रोजेक्ट। उनके कर्मचारी जो हैं वो इसी कॉलोनी में रहते हैं। इस कॉलोनी में जो दरारें हैं वो अंशिका तकरीबन 1 फीट तक की दरारें आ गई हैं, मतलब ऊपर हल्की और नीचे बढ़ती हुई दरारें चली गई हैं। यहीं पर पानी भी निकल रहा है लगातार, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी यहाँ पर चीज़ों को अगर आप जाइए वहाँ देखिए दरारों को, तो आपको देखने से मालूम चलता है कि स्थिति कितनी भयावह है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी ये घर हैं उन सभी घरों से लोगों को एक्टिवेट कर लिया गया है, हटा लिया गया है। पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ पाए। उन घरों को भी इस होटल के डिसमेंटल होने के बाद की स्थिति में कैसे उसको अगर बचाना है तो क्या उपाय किया जाए, उसके लिए भी आज सुबह से वहाँ कवायद की जा रही थी। तो इस तरह की कवायद यहाँ पर लगातार चल रही है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ जोशीमठ का ये पीछे का हिस्सा, यहाँ पर भी दरारें पाई गई हैं। तमाम घर हैं जिनमें दरारें हैं, लोग यहाँ से अपना सामान लेकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस वक्त ये भी तस्वीरें हमने साझा की हैं, तो आप ये देख सकती हैं पीछे एकदम ठीक नीचे अलकनंदा रिवर है। अभी जब डीपी कानून को जो यहाँ पर ये डिसमेंटल का जो काम हो रहा है उनके दिशा निर्देशन में हो रहा है, उन्होंने बताया कि हमें इस डिसमेंटल की जो प्रक्रिया है बहुत स्लोली करनी होगी और इसीलिए 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि एकाएक अगर इसको डिसमेंटल करते हैं और तब ये स्लोब और पूरा का पूरा मलबा अगर नीचे जाता है तो इतनी गति से जाएगा कि ये सीधा अलकनंदा में जाके वहाँ ब्लॉकेज कर सकता है। और तमाम ऐसी कॉलोनियाँ हैं, तमाम ऐसे घर हैं जिनको ये तोड़ सकता है, तो इसको बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से डिसमेंटल करना है। अंशिका ठीक है, बने रहिए, पीयूष आपके पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक बुलाई है, दोपहर 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जोशीमठ पर चर्चा हो सकती है, तो जोशीमठ में अभी जो भी हो रहा है उसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और कैबिनेट की मीटिंग में जोशीमठ को लेकर चर्चा हो सकती है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि इसरो ने एक तस्वीर जारी की है, सैटेलाइट तस्वीर, उसके जारी होने के बाद इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। हितेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी आपके पास है? अभी कैबिनेट की मीटिंग होगी, 12 बजे के बाद ही शुरू होगी कैबिनेट की मीटिंग। हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, क्या उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, 12 बजे धामी की कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जो आपदा में जो पुनर्वास को लेकर इसमें कई अहम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले सकते हैं। तो यही वजह है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में यह आपदा आई है तो कहीं ना कहीं काफी ऐसे घर हैं जो प्रभावित हुए हैं, तो उनको लेकर भी, और 40 से 50 ऐसे परिवार हैं जिनको ज्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला है। तो यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर बैठकें भी कर रहे हैं, लगातार उनके जो मंत्री हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो यही वजह है कि आज इस तरीके से कुछ अब से 2 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी कि 13 तारीख को 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह बैठक बुलाएंगे, तो इसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही कल ही पुष्कर सिंह धामी, कल ही सरकार की तरफ से जो है एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया, 45 करोड़ का जो राहत पैकेज है उसका ऐलान किया गया है। इसको कब तक वितरित किए जाएंगे, क्या इसको लेकर कोई बातचीत, कोई जानकारी आपके पास? तो हितेश त्यागी से संपर्क टूट गया है। हितेश, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? तो हितेश क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? तो हितेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जोशीमठ को लेकर चर्चा हो सकती है। एक और जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, SDRF और NDRF की जो टीम है वो जोशीमठ में इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे, होटल मलारी और माउंट व्यू का आज जो है ध्वस्तीकरण होगा, जमींदोज हो जाएंगे ये। शासन प्रशासन ने तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली है, तो शासन और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है इसको लेकर जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू इन, इन दोनों को ही आज जमींदोज किया जाएगा। इसी सिलसिले में
शासन और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। और जोशीमठ के बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से धरती हिली है। उत्तरकाशी में देर रात भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता मापी गई है। जोशीमठ के बाद ऋषिकेश और चमोली में भी दरारें आ गई हैं। हालांकि भूकंप की वजह से झटके महसूस किए गए हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दरारें भी आई हैं। ऋषिकेश में कुछ घरों में दरारें देखने को मिली हैं। रिक्टर स्केल पर 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो पहले तो जोशीमठ आपदा और उसके बाद अब ये भूकंप की खबर। जोशीमठ के बाद ऋषिकेश और चमोली में भी घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। जोशीमठ आपदा के बीच उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से धरती हिली है। कुछ दिन पहले ही भूकंप की खबर सामने आई थी लेकिन एक बार फिर से धरती हिली है। उत्तरकाशी में देर रात भूकंप आया है। पुष्कर सिंह नेगी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और पीयूष लगातार हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप पुष्कर, क्या जानकारी आपके पास है? भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, यहाँ पर भी क्या घरों में दरारें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए अंशिका, पिछले एक महीने से लगातार चाहे आप चमोली की बात करते हैं चाहे आप इस तरह से तो घटनाक्रम देखने को मिला। हालांकि दरारों का जोशीमठ ही नहीं, आप जो है रुद्रप्रयाग चले जाइए। रुद्रप्रयाग में जहां पर रेलवे टनल बनना है या जहां पर NH58 का काम हो रहा है, यहां के घरों में दरारें हैं। कर्णप्रयाग आप चले जाइए, कर्णप्रयाग में भी ऐसी 100 से ऊपर परिवार हैं। तो भूकंप को लेकर आपने जिस तरह से कहा कि हाइप जोन में जो है उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं, चाहे आप चमोली की बात कर लीजिए, जोशीमठ सबसे संवेदनशील इलाका है, उसके बाद उत्तरकाशी जो है सबसे संवेदनशील इलाका है। क्योंकि जब 99 में जब 5.9 का यहाँ पर भूकंप आया था, जब 1999 की मैं बात कर रहा हूँ अंशिका, तो उस समय जो है चमोली को जो है बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद पिथौरागढ़ आप चले जाइए, आप जो है 5 जोन में है। उत्तरकाशी आप चले जाइए, उत्तरकाशी में लगातार जो है भूकंप के झटके आपको देख रहे होंगे। लेकिन अभी तक ऐसे 2.9 हालांकि बहुत ज्यादा तीव्रता वाला होता नहीं है पुष्कर, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर 2.9 भी बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, देखिए आपने सही कहा कि जब 99 का जब भूकंप आया था, चमोली और उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 5 जोन में इसको रखा गया था कि यदि कोई स्थिति होती है या ऐसे 1.2 का वो आ जाता है भूकंप, तो लोगों में दहशत तो है ही जोशीमठ को लेकर। लेकिन जिस तरह से भूकंप जो लगातार आ रहा है या लगातार जो अपनी दस्तक दे रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में भी भूकंप के लगातार झटके महसूस हुए थे, अल्मोड़ा में भी हुए थे, उत्तरकाशी में भी हुए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह से हर साल जो है आपदा दर जो केसेस सामने आ रहे हैं, तो भूकंप एक डरावना है। क्योंकि लगातार जो है पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति होती है या भौगोलिक जो दृष्टि होता है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगाए नहीं जा रहे हैं, तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए जो है ऐसा खेल या ऐसा हम इसको कह सकते हैं रचा रही है कि कहीं भूकंप, कहीं आपदा, कहीं जमीन फटना, तो कहीं ना कहीं एक संतुलन जो है देखना पड़ेगा और प्रकृति के साथ हम लोगों को खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा अंशिका। हाँ, हालांकि जो उत्तरकाशी में जो भूकंप के झटके पिछले एक महीने से लगातार जो है 2.9, 3.9 या 4.2 के आ रहे हैं, तो एक दहशत का माहौल तो पूरे उत्तराखंड में इस समय है ही। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। पीयूष, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है जोशीमठ में, मलारी को गिराने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। अभी आपने दिखाया, अभी जो कुछ वर्कर्स हैं वो मलारी होटल पर छत पर चले गए हैं, खाली कर रहे हैं उसको, लेकिन ये होटल इतना बड़ा है, अगर ये जमींदोज होता है तो आसपास भी इसका असर पड़ेगा। क्या आसपास के लोग भी खाली करके जा चुके हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशिका, और मैं आपको दिखाऊं आसपास के जो घर हैं।
अगर मैं नीचे तक का एरिया दिखाऊं आपको, नीचे तक के एरिए में कोई भी व्यक्ति अब नहीं है, क्योंकि सभी के घरों को खाली करा लिया गया है, सबसे वहां से सबको एक्टिवेट कर लिया गया है। और अभी यहां पर एक के बाद एक SDRF के जो बड़े अधिकारी हैं NDRF के, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। और अब इसके बाद देखिए आप तस्वीरों में, अब कार्रवाई सेना के जवानों के साथ ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब थोड़ा सा तेजी आएगी, क्योंकि कल तक जितनी यूनिट थी उससे ज़्यादा ही यहाँ पर यूनिट्स अब डिप्लॉय कर दी गई है। 2 यूनिट NDRF की यहाँ पर लगाई गई है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किस तरह से किया गया है, तो 2 यूनिट NDRF है और उसके अलावा 8 यूनिट SDRF की लगाई गई है। उसके साथ ही साथ आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए ITBP के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ तमाम ऐसे संस्थान हैं, CBRI हो, वाडिया इंस्टीट्यूट हो, GSI हो, इन सभी संस्थानों से जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो यहाँ पहुँचकर लगातार शोध का काम जो है, आखिर ये भू दशाओं आया क्यों है, मैनुअली कोई वजह है या प्राकृतिक वजह है, तमाम इन बातों को लेकर भी वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जोखिम के मूल्यांकन को भी आंकने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अभी जब मेरी बात हो रही थी DP कानूनगो जिनके निर्देशन में कार्रवाई चल रही है, जब मैंने उनसे बातचीत की कि आखिर इस पूरे होटल को, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हटाने में, गिराने में, डिसमेंटल करने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें इस होटल को जो डिसमेंटल करना है वो मैनुअली तरीके से मशीनों के जरिए ही करना है, हम इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि ब्लास्टिंग करें और इसको हटा दें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि नीचे के जो घर हैं जिनको नहीं हटाना है, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं दरारों के पड़ने के बाद, लेकिन उन्हें हटाना नहीं है। नीचे के घरों की ओर मैं चाहूँगा कैमरे को पैन करते हुए दिखाएं, ये वो घर हैं, आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये वो घर हैं नीचे। अगर ये होटल ब्लास्ट किया जाता है तो सीधा मलबा होता हुआ JP कॉलोनी और वहाँ से भी, चूँकि बहुत क्षति हुई है तो वहाँ भी इस मलबे के पहुँचने के बाद बड़ी क्षति होगी, और सीधा पहुंच जाएगा वो अलकनंदा रिवर में और वहां जाके ब्लॉकर्स करेगा, तो क्षति बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आप देखिए वो तस्वीरें, होटल माउंट व्यू को भी अब डिसमेंटल किया जा रहा है, वहां से सामान जो है वो धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं, खिड़की दरवाजे इन सभी को वहां से हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं सीधा न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव, इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन पीयूष, इस होटल से जो सामान निकाला जाएगा, क्योंकि ये एक होटल है, इसमें फर्नीचर के बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ऐसा नुकसान होने वाला है, लेकिन इस नुकसान के बराबर क्या इन लोगों को वो पैसे मिल रहे हैं? कल जो राहत पैकेज का ऐलान किया सरकार ने, जब वो डिवाइड होगा इतने सारे परिवारों में, तो क्या उतना अमाउंट पर्याप्त होगा उनके लिए? क्या उतना नुकसान वो बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, सरकार ने इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सरकार के पास भी पहुंचेगी। इस कमेटी में तमाम लोगों को शामिल किया गया है और तमाम सदस्य जो हैं वो इसी जोशीमठ से रखे गए हैं, और ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, उसके बाद इनका मुआवजा तय होगा। तो जहाँ तक नुकसान की बात है, जो नुकसान इनका हो रहा है उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार है, सरकार ने इसका आश्वासन भी दिया है और वादा भी किया अंशिका। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि हमें जैसे केदार घाटी को डेवलप किया गया या बद्रीनाथ मॉडल जो है प्रोजेक्ट का वो लागू किया गया था वहाँ पर, वही मॉडल यहाँ पर लागू किया जाए, इसको लेकर सरकार ने कहा है कि हम जल्दी इस बारे में भी विचार करेंगे, जोशीमठ को रीस्ट्रक्चर रीडेवलप करने के संदर्भ में भी कोई मॉडल तैयार करेंगे, लेकिन वो कहाँ पर होगा, किधर होगा, किस तरफ होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है अभी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पुष्कर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोशीमठ आपदा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ भू धसाव पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो जोशीमठ में निर्माण पर रोक का सख्ती से पालन का आदेश भी दिया गया है। सरकार को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू दशा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और इस दौरान कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार की ओर से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी को 2 महीने में जोशीमठ मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कमेटी को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश है।
तो वहीं जोशीमठ में निर्माण पर रोक का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने इस विशेषज्ञ कमेटी में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर एमबीएस बिष्ट को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जोशीमठ में, उन पर ब्रेक लगाने की बात की गई है कोर्ट की तरफ से कि अभी उनको रोक दिया जाए और इसको सख्ती से पालन किया जाए। समय दिया गया है 2 महीने का और 2 महीने में जवाब देना होगा, रिपोर्ट देना होगा कोर्ट को। तो जोशीमठ से पलायन होते लोगों की तस्वीर अब आम हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ होटल मलारी और माउंट व्यू पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। आज होटल मलारी और माउंट व्यू तोड़े जाएंगे। शासन और प्रशासन की तैयारी भी पूरी हो गई है, आसपास बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। आइए देखते हैं आखिर अभी क्या हो रहा है वहां पर। इस वक्त न्यूज इंडिया वहां पहुंचा हुआ है जहां पर ये होटल मलारी है और आप देख सकते हैं होटल मलारी को डिसमेंटल करने की जो तैयारी है। कल जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और उसका संयुक्त ऑपरेशन यहां पर शुरू हुआ तो एक एक करके सारे सामानों को यहां से अब हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। सारे दरवाजों को यहाँ से निकाल दिया गया है, बाकी जो फर्नीचर हैं तमाम, कल जनरेटर सेट और तमाम ऐसी चीज़ें टंकियाँ हटाई गई थी, लेकिन आज ये सब कुछ चीज़ें यहाँ से हटाई जा रही हैं क्योंकि इनके हटाने के बाद ही अब कार्रवाई शुरू होगी। एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रही है, डिप्लॉय हो रही है, बैरिकेड्स वापस लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर आम पब्लिक का आना जाना ना रहे, आवाजाही ना रहे। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर का वक्त है जब ये होटल डिसमेंटल किया जाना शुरू हो जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से यहाँ पर समुचित साधनों की व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स अब लगाए जा रहे हैं ताकि अब कोई भी इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जहाँ तक होटल मलारी इनन और होटल माउंट व्यू है वहाँ पर कोई ना आ जा सके, सिवाय उन लोगों के जिनको इस पूरी कार्रवाई में प्रतिभाग करना है। कैमरा पर्सन केडी के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, जोशीमठ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।